पहली बार देखा है, सुना था संतों के मुंह से, उनके वचनों में सुना था कि यमुना मैया यहाँ तक हुआ करती थी, मदन मोहन जी इसलिए इतना ऊंचा बना था कि यमुना मैया उस वक्त गंगा जी जितनी एकदम तीव्र जी, थी, शांत, उनका अब वेग था बहुत वेग तेज। था, अब तो जी शांत है, जी लेकिन भक्तों का मानना है, हमारा मानना है कि जी मैया पुनः मिलने आई है, कई सालों बाद मिलने आती हैं ऐसे, जी और दोबारा मिलने आई है वृंदावन में इस जी तरीके से। जी ये बाहर से आए हुए लोगों के लिए एक नाली का जल हो सकता है, पर जी हमारे साक्षात यमुना जल से, गंगा नारायण जल से, जी अमृत से कम नहीं है। जी मीठे रस से भरे रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी का ये स्वरूप जो है बहुत पहले लोग द्वापर युग में देखा करते थे। बताया जाता है कि आज से 40 साल पहले भी यमुना जी इसी स्वरूप में आई थी। काली देह तक, बिहारी जी तक यमुना जी का दर्शन दिखाई देता था, लेकिन इस बार जैसा स्वरूप आया है तो बहुत सारे भक्तगण, साधकगण ये कह रहे हैं कि यमुना जी साक्षात दर्शन देने आई हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। बहुत सारे साधक, बहुत सारे भक्तगण दर्शन के लिए निकले हुए हैं। ये कहाँ से आई हुई हैं साधिका, उनसे बातचीत करते हैं। जी जय श्री राधे, राधे श्याम, जय यमुना मैया। जय यमुना जी मैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुष्मिता है जी और मेरा दीक्षित नाम सुदेवी मंजरी है। सुदेवी मंजरी। जी, अच्छा जी, और तो यमुना जी का ये स्वरूप जो है पहली बार आपने जीवन में देखा होगा। हाँ, कब पहली बार देखा है, सुना था संतों के मुंह से, उनके वचनों में सुना था कि यमुना मैया यहाँ तक हुआ करती थी, मदन मोहन जी इसलिए इतना ऊंचा बना था कि यमुना मैया उस वक्त गंगा जी जितनी एकदम तीव्र जी, थी, शांत, उनका अब वेग था बहुत वेग तेज। था, अब तो जी शांत है, जी लेकिन सरकार द्वारा पानी को जब जी डिवाइड कर दिया तो वो यहाँ आ गई, जी 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 लेकिन भक्तों का मानना है, हमारा मानना है कि जी मैया पुनः मिलने आई है, कई सालों बाद मिलने आती हैं ऐसे, जी और दोबारा मिलने आई है वृंदावन में इस जी तरीके से। जैसे कथाएं भी हैं, पौराणिक कथाएं भी जी हैं ना, जी कि काली देह से ठाकुर जी, कन्हैया जी ने छलांग लगाई थी, जी तो जी वो पूरा स्वरूप या दर्शन मुझे लगता नई पीढ़ी को बताने आई हैं। हाँ, नई पीढ़ी को बताने आई हैं। जी एक तरीके से सब खुश भी हैं कि यमुना जी आई हैं और हम देख पा रहे हैं कैसा, कैसी लीला है उनकी, इतना जी जल स्तर बढ़ने से कैसा प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ जो घाट बने हुए हैं, जी पुराने घाट, प्राचीन हाँ प्राचीन घाट, इनमें जो ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं चढ़ने के लिए, क्यों बनाए गए थे, जी यमुना जी थी इसलिए। जी एक तरीके से आनंद भी है और एक तरीके से दुख भी है यहाँ के जी ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि सबके घर मकान पानी में डूब गए हैं, जी लोग अन्न नहीं आ पा रहा है, जल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, जी जी काफी कुछ हो रहा है, जी खुशी भी लेकिन है जो दुख प्राचीन, भी है, हाँ दोनों साथ में है। प्राचीन जो घाट बने हुए थे हाँ, प्राचीन जहाँ घाट। पर यमुना जी होकर निकलती थी, जी तो लोग, कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि ऐसे ही यमुना जी निकल रही हैं हाँ, और वो घाट जो है आज आनंद स्वरूप दे रहे होंगे। जी जी एकदम एकदम आनंद स्वरूप है, पहली बार देख रही हूँ मैं, इतने दिनों बाद आई, आज ही आई हूँ मैं जी देखने माता जी के साथ, जी तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। जी जी वैसे तो नई पीढ़ी के अगर यंग कहा जाए तो यहाँ ऐसा जल देकर घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हाँ, हैं। भयभीत तो होते हैं, जी पर हम ब्रजवासियों की खासियत है, हम भयभीत नहीं होते, आनंद लेते हैं। जी ये बाहर से आए हुए लोगों के लिए एक नाली का जल हो सकता है, पर जी हमारे साक्षात यमुना जल से, गंगा नारायण जल से, जी अमृत से कम नहीं है। जी देखिए, नई पीढ़ी में अगर ये संदेश जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अपनी यमुना मैया के प्रति उनकी कैसी श्रद्धा, कैसी भावना है। तो जब आनंद की बात आई, जी जब भक्ति की भाव आए बात आई, तो जी मुझे लगता है फिर तो कोई भजन के भाव के रस में जो है सबको मुझे लगता है आनंदित करना चाहिए। आनंदित करना चाहिए। एक ऐसा भजन भी है जो छोटे से लेकर बूढ़े तक गाते हैं, मैं जी वही भजन गाना चाहूंगी। जी जी मीठे रस से भरे रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अरे यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रज धाम राधा जू की रज धानी लागे, मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जी ये जी। कोई और भजन और जो कन्हैया ठाकुर जी के और हमारे ब्रज का गुणगान हो,
जी ब्रज का गुणगान श्री राधा रानी से ही है। जी जी, तो एक ही भजन है, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी श्यामा प्यारी आपकी, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम मन मंदिर के ज्योत जगानो, मन मंदिर के ज्योत जगानो घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले आ, द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। तो देखिए ब्रज के रस में कितने आनंद में सब डूबे हुए हैं, और इतना मधुर इतना प्यारा भजन सुनकर इधर भी देखिए साधकगढ़ भक्तगढ़ आनंद में हैं, और जहां दूर दराज से आए हुए हैं भक्तगढ़ सब जो है ब्रज के रस का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, ब्रज के रस का आनंद लेने आए हुए हैं, यमुना मैया ब्रज रानी का रस लेने के लिए आए हुए हैं, और ये आनंद का सागर ये भाव आप सबको दिखाई दे रहा, छोटे छोटे बच्चे भी दूसरी बार ये यमुना मैया का विस्तार आया है, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए यमुना रानी की। तो देखिए भजन और कीर्तन का भाव हो रहा है, भक्ति का रस है, और इस रस में ब्रज का वो भाव जो द्वापर युग में दिखाई देता था, जो द्वापर युग में दर्शन दिखाई देता था, वैसा ही दर्शन आप सबको दिखाई दे रहा है हर तरफ। तो आप सब भले ही डरे हों भयभीत हों, जो दूर दराज से लोग हों उन्हें लग रहा हो कि ये जल जो है लोगों को तकलीफ दे रहा है, उन्हें दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ के ब्रज के जो वासी हैं, जो ब्रज के रस में डूबे हुए हैं, वो दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि साक्षात यमुना मैया उनके घर दर्शन देने के लिए आई हैं। तो ये दर्शन भावपूर्ण करिए, और बस आचमन नमन ये कि यमुना मैया अपने स्थान पर लौटिए, क्योंकि आप सबका आपका दर्शन और आपकी आरती आपका पूजन आपका भजन सब कुछ हो चुका है, अब अपने स्वरूप को अपने स्वरूप में ले लीजिए।